मंडी जिला की बलघाटी में गत रात्रि चोरों ने कई जगह पर ताले तोड़े हैं। नागचला बाईपास पर स्थित शनिदेव मंदिर में सेंध लगाकर आभूषण एवं खाद्य सामग्री पर हाथ साफ किया है। मंडी जिला में चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसका ताजा उदाहरण गत रात्रि मंडी जिला की बलघाटी में हुई चोरी की वारदातों के कारण देखने को मिला है। चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घाटी में कई जगह पर सेंधमारी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देने का प्रयास किया है। चोर गिरोह ने नागचला बाईपास पर स्थित शनिदेव मंदिर में सेंधमारी कर मंदिर में मौजूद आभूषणों व खाद्य सामग्री पर हाथ साफ कर लिया है। मंदिर के पुजारी के अनुसार विराट को किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। सुबह जब वे मंदिर में पहुंचे तो मुख्य द्वार पर ताला टूटा हुआ था, जिस कारण अंदर आकर देखा तो आभूषण व राशन कई प्रकार की सामग्री गायब थी। इसके पश्चात उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि इस तरह मंदिर में चोरी की घटना से दहशत का माहौल बना हुआ है। रात को किसी काम से गए थे ना, फिर जब हम आए 5 बजे तो देखा तो ताला तोड़ा हुआ था और जो भी कीमती सामान था वो सारा चोर दिया। जैसे माता जालपा का रथ बैठता है अंदर, तो उसमें सोने की नथ 1 तोले के करीब थी, उसको भी ले गए। बाकी 5 तोड़े चावल के थे बासमती, उनको भी ले गए। कुछ कट्टे माँ के ले गए, कुछ तेल वगैरह की बोतला थी उनको भी ले गए बहुत ज़्यादा, और बाकी जितना भी लंगर का सामान रखा होता था वो सारा ले गए। बाकी बर्तन वगैरह भी ले गए कुछ, तो इतना कम से कम ज़्यादा नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान मंदिर का हुआ है। ज़्यादा नहीं तो इसको 60-70 हज़ार रुपये मान के नुकसान उन लोगों ने कर दिया है। जैसे हर जगह उन्होंने चोरी की है रात को, जैसे अपने नागचला हनुमान मंदिर में भी हुई है और लोहारा पंचायत में भी हुई है, बहुत जगह में चोरी है जो उन्होंने की है।